Red FM presents India's number one show with India's number one RJ. एक बार फिर बजाओ। बउआ को किसी ने टॉपिक दिया कि भाई दुनिया भेड़चाल में ही फंसी हुई है, इस भेड़चाल का आखिर मतलब क्या है और ये भेड़चाल शब्द कहाँ से आया, क्या बउआ और बैरागी जी इस पे कोई चर्चा कर सकते हैं? ये सुनिए क्या हुआ फिर। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहाँ जुड़ने के लिए? नहीं, ये बैरागी जी की आवाज़ थी, मैं बउआ बोल रही हूँ। अगर आप तैयार हैं तो हम बताएं आपको शुरू करके। काहे के लिए तैयार? एक अद्भुत चर्चा जो हर हफ्ते होती है, ताबड़तोड़ खबरें इस चैनल पे भाई साहब जी। तो एक मुद्दे पे हम चर्चा करते हैं जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट होता है और आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि। अच्छा, तो किससे पूछ के बनाया प्रतिनिधि? अब पूछना अच्छा। क्या इसमें जिम्मेदारी की बात होती है? समाज के प्रति आपका दायित्व से निभाइए। जल्दी करो फिर, जल्दी करो फिर। इन्होंने हाँ बोल दिया बैरागी जी, चर्चा शुरू की जाए। इस बारी की चर्चा का मुद्दा ये है कि भेड़ चाल जी। भेड़ चाल? हेलो। अरे भेड़ चाल क्या होती है? शतरंज में तो सुना है, घोड़े की चाल, हाथी की चाल, ऊंट की चाल है। यही सवाल कि भैया भेड़ चाल बैरागी जी क्या? ध्यान दीजिएगा, हाँ। भेड़ के साथ जुड़ा होता है ऊन, भेड़ से ऊन निकलते, सही बात है। ठीक है, ऊन से क्या जुड़ी हुई है? सर्दी, स्वेटर। सर्दी स्वेटर, ठीक है। सर्दी से क्या जुड़ा हुआ है हमारी दिल्ली? दिल्ली, हाँ, दिल्ली सबसे ज्यादा। भाई साहब जी, महानगरों में सबसे ज्यादा सर्दी दिल्ली में ही होती है। और दिल्ली अच्छा। में क्या है? संसद। संसद भी है। संसद से देश चलता है। देश चलता है। और देश चलाने के लिए क्या चलना पड़ता है? चाल। बहुत बढ़िया। तो आपको मैं बता दूं, कहानी शुरू हुई थी भेड़, हाँ। ऊन, स्वेटर, सर्दी, दिल्ली, संसद, चाल। वाह वाह वाह, क्या कनेक्शन है बैरागी जी, जी। यानी बात शुरू हुई भेड़ से और खत्म हुई चाल, चाल पे। इसी को कहते हैं भेड़ चाल। बहुत बढ़िया भेड़ जवाब। क्या आपने तो जवाब भी बिल्कुल चर्चा पहली बार। क्या नाम है इनका बैठागी? जबड़ेश रोहिला। हाँ, जबड़ेश रोहिला। जबड़ेश रोहिला, तेरी तेरे बाप का नाम होगा जबड़ेश रोहिला। अभी आप स्कूटर चढ़ने वाला देखिए, आया पीछे। अब तेरी चढ़ा दो पीछे। जबड़ेश फोन रखो, दिमाग से अमीर बनो। फोन रख तेरी बैठागी की औलाद। नंदगी जोड़ बैरागी जी फोन कर दिया। लेकिन इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है वो पढ़ा दो। की चिट्ठी बहुत ही प्यारी जगह, टोरंटो। आपने सुना? टोरंटो काफी सुना है। टोरंटो के गांव जाहिलपुर से मोमोज की चटनी पीसने वाली फेंगसुई बत्रा। फेंगसुई खुद कहती है कि यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। थैंक यू फेंगसुई बत्रा, लेकिन एफ से रॉकिंग नहीं होता। जो भी होता है फेंगसुई, वी लव यू। ओके, थैंक यू बैरागी जी। रेड एफएम मॉर्निंग नंबर वन रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।